हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। आज ज्योग्राफी का हम पार्ट लेके आए हैं। जैसा आपको पता है कि ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट, मतलब बहुत सारे नहीं, दो तीन वीडियोस हैं, आप उसको देखिए। और बहुत ही क्लियरली मैंने आपको समझाया है कि हिमालयन माउंटेन क्या होते हैं, ये सब चीज़ पे, और इंडिया का मतलब मैंने कुछ समझाया आपको, नॉर्थ वेस्ट ये सब। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेकंड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, थर्ड आइलैंड, फोर्थ नॉर्दर्न माउंटेन, फिफ्थ पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये पांच चीज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, सबको एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइलैंड के लिए देखिए, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट प्लेन का मतलब है जो ऐसी जगह जहां पे मतलब मिट्टी से भरी हो, ऐसा कुछ प्लेन जगह जहां पे फर्टाइल हो सके अच्छे से। कोस्टल प्लेन जो आपको पता है कि भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट होता है, ईस्टर्न कोस्ट होता है, उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। आइलैंड मतलब एक ऐसा, मतलब मान लीजिए सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है श्रीलंका। अब श्रीलंका जो है 1, 2, 3 चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग श्रीलंका को क्या बोलते हैं, एक तरह से आइलैंड है। नॉर्दर्न माउंटेन, पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू मतलब पठार। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जनरली मैं बोल रही हूँ, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, और बहुत इजी वे में मैं आपको पढ़ाने का कोशिश करूंगी। ठीक है, कोशिश क्या, मैं तो इजी वे पढ़ाती हूँ आपको। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं। अच्छा, ये कुछ अलग सा बन गया ना, मैप नहीं बना, सॉरी। ठीक है, चलो ये ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये जो वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं डेजर्ट। ठीक है, जो डेजर्ट होता है उसको ये बोलते हैं सॉरी। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर का मतलब होता है जो मतलब उसके तीनों तरफ में पानी हो। जैसे अगर आप भारत का नीचे वाला हिस्सा देखोगे तो यहाँ पे आपका है अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे इंडियन ओशन। तो तीनों तरफ से जो भी लैंड, जमीन अगर पानी से घिरा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर, इसलिए ये पेनिनसुलर प्लेटू है। ठीक है, और यहाँ पे, और यहाँ पे तो आपको पता ही है इसको क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन। ये वीडियो करने के बाद आपको किसी भी तरह का फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो होगा ना, उसमें आपको कोई भी तरह कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बनाया। सबसे ऊपर वाले पार्ट में हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेन, जहाँ पे आपका हिमालयन माउंटेन होता है, उसके नीचे होता है नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, उसके यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड, और ये जो गुजरात का है उस पर वहाँ पे होता है डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसको पेनिनसुलर प्लेटू बोला जाता है। पेनिनसुलर का मतलब होता है जो तीनों साइड से पानी से हो, जैसे भारत के यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो जो तीनों साइड से पानी से हो उसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो लाइन मैं बता रही हूँ इसको, ये जो लाइन है इसको कोस्टल बोलते हैं, इसको वेस्ट कोस्टल प्लेन बोलते हैं क्योंकि भैया है वेस्ट में, और इसको ईस्ट कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि अच्छे से हो पाए और अच्छे से हम इसको सॉल्व कर पाए। और कोई भी वीडियो देखने के बाद आप जाके प्लीज एमसीक्यू का क्वेश्चंस लगाइए, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका एमसीक्यू का क्वेश्चंस लगेगा। तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे वो क्या है देख लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। क्या है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, पहले यही लिया मैंने, और इसमें है क्या देखिए, पहले इसके पहले एक चीज पढ़िए। मान लीजिए ये सी लेवल है, क्या ये समुद्र तट है, यहां पे ऐसे, ठीक है, ये हमारा हुआ माउंटेन। क्या हुआ, माउंटेन। थोड़ा सा इससे नीचे आऊं, ये क्या हो गया, हिल्स। क्या हो गया, हिल्स, सॉरी इसको ऐसे नहीं करना, हाँ हिल्स। अब इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे ले जाते हैं, ये एकदम फ्लैट है, तो फ्लैट है तो इसको क्या बोलेंगे,
प्लेटू, क्या बोलेंगे? प्लेटू, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर इससे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? प्लेन, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसे प्लेन, देख रहे हैं ना, नीचे की तरह है। देखिए माउंटेन जो होता है उसको तभी माउंटेन बोलते हैं जब उसकी जो हाइट होती है वो ग्रेटर देन होती है, माउंटेन की हाइट जब ग्रेटर देन होती है, कितनी बड़ी होनी चाहिए? 600 मीटर, ठीक है। और इसका जो ये पॉइंट होता है ना, ये पॉइंटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पॉइंटेड। तो एक माउंटेन को तभी माउंटेन बोला जाता है जब उसकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा होती है, और इसका जो पीक वाला पॉइंट होता है, जो टॉप होता है, उसे हम लोग पीक मतलब कि इसको पॉइंटेड बोलते हैं। अब उससे थोड़ा नीचे देखोगे तो हिल्स होती है, ठीक है। हिल्स की जो हाइट होती है वो लेस देन मतलब 600 मीटर से कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसकी पॉइंटेड भी नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट है। और नीचे जाओगे तो फ्लैट होता है जिसको आप प्लेटू कहते हो, और नीचे जाओगे तो प्लेन, प्लेन का मतलब होता है मैदान और प्लेटू का मतलब होता है पठार, ठीक है। अब ये जो फ्लैट जगह होती है ना, जो प्लेटू, यहाँ पे आपको मिनरल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं जिसको आप खनिज कहते हो, ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, हजारों साल पहले क्या था, हजारों सालों से माउंटेन जो है उस पर रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश होने से रिवर पे बारिश हो रही है तो पानी गिर रहा है। अब देखो पानी जब कोई भी चीज को ऐसे जाती है वहां से, ऐसे ऐसे करती है, तो वहां पे क्या हो जाता है? उस चीज को इरोड करती है। इरोड मतलब क्या होता है? उस चीज को कट करती है। तो माउंटेन को धीरे धीरे कट कर रही है, कट करने से क्या बन गया? हिल्स। और फिर हिल्स को और कट करिए तो वो बन गया प्लेटू, प्लेटू मतलब पठार। और ज्यादा कट करिए तो वो बन गया प्लेन, क्या बन गया? प्लेन। तो यहाँ पे इरोडेट किया जाता है। तो जो बारिश होती है, जब बारिश होती है तो जो नदियां में पानी होती है और जो नदियां बहती हैं माउंटेन से, तो वहां पे वो इरोड करती है, इरोड मतलब वो कट करती है। और कट करते 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 देख रहे हो ना क्या बन गया? माउंटेन, हिल्स, प्लेटू और प्लेन, ठीक है। और जो प्लेटू है वहां पे हमारे क्या मिलती है? तो वहां पे हमें मिलता है मिनरल्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि हमें जानना है माउंटेन रेंज क्या होता है। क्या देखना है हमें? माउंटेन रेंज। ये सब हम ग्रेट प्लेन में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो ग्रेट प्लेन उसमें। तो माउंटेन रेंज क्या होता है उसको देख लें हम लोग एक बार। तो देखिए जैसे, तो ये जो माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ माउंटेन, एक ग्रुप है माउंटेन का, और इनकी जो पिक होती है ना वो एकदम सेम होती है, इनका जो एज होता है वो सेम होता है माउंटेन का। तो ग्रुप ऑफ माउंटेन क्या होता है? जिनकी एज सेम होती है, ठीक है। और दूसरा, ये जो स्काई लाइन होता है, ये जो स्काई लाइन होता है इसको स्काई लाइन बोलते हैं। ये जो स्काई लाइन इनकी होती है वो इक्वल होनी चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, लेकिन दो माउंटेन के बीच में कुछ जगह है, ठीक है, कोई रोड होता है या कोई जगह होती है, तो उसको ही हम बोलते हैं पास। तो पास किसको बोलते हैं? जो दो माउंटेन के बीच में रोड होता है, दो माउंटेन के बीच में जब कोई रोड होता है तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास, जहां से हम आते हैं जाते हैं, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? पास बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो माउंटेन रेंज मैंने आपको बता दिया, माउंट से हिल कैसे बनता है, हिल से प्लेटू कैसे बनता है, प्लेटू से आपका मतलब प्लेन में कैसे जाता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो अब आगे चलते, देखते क्या है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बोला ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे आपको पता है रिवर जो है, जो नदियां हैं, जो रिवर है वो ऊपर से आती हैं, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के आती है वहां से। तो जब वो तोड़ के आती है तो अपने संग क्या लेके आती है? तो अपने संग लेके आती है सेडिमेंट्स। क्या लेके आती है? सेडिमेंट मतलब सेडिमेंट्स को लेके आती है, पत्थर लेके आती है। और ये सारे सेडिमेंट जब एक्यूमुलेट होते हैं, क्या होते हैं? एक्यूमुलेट, इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सॉइल। और यहीं पे क्या बनता है आपका? ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए बहुत ईजी है, इसको समझना कुछ नहीं है। रिवर जो होती है वो जब आती है तो अपने संग सेडिमेंट लेके आती है, सेडिमेंट जो लाती है वो एक जगह एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और फिर वहाँ पे सॉइल बनता है, और फिर वहीं पे क्या होता है आपका? ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। आप मुझे ये बताइए कमेंट में कि जो सॉइल पाया जाता है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में, उस किस टाइप का सॉइल पाया जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस टाइप का सॉइल जो है हमें ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम आपको इसको डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं कि कैसे रिवर लेके आती है। बहुत ईजी तरीका से मैं आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। चलो तो पहले हम लोग डायग्राम बना रहे थे एक अच्छा सा। मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, और माउंटेन के ऊपर क्या है? ग्लेशियर। क्या है माउंटेन के ऊपर? ग्लेशियर।
अब ग्लेशियर जब पिघलता है तो वहाँ ऑब्वियसली वहाँ से पानी निकलती है, तो यहाँ से रिवर निकल रहा है, ठीक है। जब रिवर निकल रहा है तो ये पत्थरों को तोड़ रहा है, तो क्या ला रहा है अपने संग? पत्थर ला रहा है, पत्थर को तोड़ तोड़ के क्या ला रहा है? वो पत्थर ला रहा है पहाड़ों को तोड़ तोड़ के। इस तरह रिवर निकल रहा है, वो पत्थर लेके आ रहा है, हर जगह ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ग्लेशियर जब पिघलता है तो वहाँ से पानी आती है, तो पानी मतलब रिवर के थ्रू, रिवर के संग संग जब पानी, जब रिवर बहती है माउंटेन से, पहाड़ों से, तो वो पहाड़ों को कट कर करके आती है, जिससे वो अपने संग पत्थर लेके आती है। क्या लेके आती है? स्टोन लेके आती है। अब इसी तरह मान लो थोड़ा और नीचे एरिया में आए, यहाँ पे, तो यहाँ पे रिवर क्या लाई है? मोटे मोटे पत्थर। कौन कौन से पत्थर लाई है? मोटे पत्थर। तो जब मोटे मोटे स्टोन को आप बोल सकते हो पेबल्स, पेबल्स भी बोल सकते हो या स्टोन्स बोल सकते हो, तो इस एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे? जोन वन। जोन वन का मतलब है ये आपका एरिया है भावर। कौन सा एरिया है? भावर। भावर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मतलब जो रिवर है वो बड़े बड़े पत्थर लेके आती है, पेबल्स लेके आती है। अब आप खुद बताइए, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोन होगा, पेबल्स होगा, तो क्या कभी भी वो एरिया फर्टाइल होगा? क्या आप उसमें खेती बाड़ी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्टाइल नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे? नो फर्टाइल। ये फर्टाइल नहीं एरिया होता है, और ना ही ये एग्रीकल्चर के लिए आप यूज़ कर पाते हो। अगर ये एरिया फर्टाइल ही नहीं है तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कैसे करोगे? देखिए, ग्लेशियर था, ग्लेशियर पिघला, रिवर आई, माउंटेन को कट करके वो अपने संग स्टोन लाई। जब वो प्लेन रास्ते में आती है तो बड़ी बड़ी स्टोन होती हैं, और उस जगह को हम लोग कहते हैं भावर। और भावर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी स्टोन रहती हैं, और बड़े स्टोन होने के कारण वो फर्टाइल नहीं होता है। अगर वो फर्टाइल नहीं है तो एग्रीकल्चर आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, रिवर तो रुकती नहीं है, वो चलती जाती है। तो ये रिवर और नीचे आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी गई, इसको हम लोग बोलते हैं जोन टू। क्या बोलते हैं? जोन टू। और इसको हम लोग बोलते हैं तेराई रीजन। क्या बोलते हैं? तेराई। तेराई क्या होता है? एक मर्शी प्लेस होता है। मर्शी मतलब क्या होता है? यहाँ पे पानी होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, और यहाँ पे दलदल होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो एरिया होती है, जो तेराई रीजन होता है, वो ज्यादातर आपको कहाँ देखने मिलता है? यूपी में, ठीक है। और भावर जो है वो देखने मिलता है हम लोग को यूके, यूके मतलब इंग्लैंड नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। तो तेराई रीजन जो होता है वो ज़्यादातर आपको मतलब कि मर्शी प्लेस होता है, दलदल प्लेस होता है, और ये राइस के लिए बहुत अच्छा होता है, चावल उगाने के लिए, याद रखिएगा। तो ये यूपी में पाया जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था एसएससी में कि कौन सा ऐसा तेराई रीजन में कौन सी डिजीज है जो ज़्यादातर मिलती है, तो याद रखिएगा मलेरिया। मॉस्किटोज के काटने से डिजीज होती है, जो मलेरिया होती है, जो ज़्यादातर आपको तेराई रीजन में मिलती है। अब यहाँ से तेराई रीजन से ये रिवर फिर ऐसे आई, ठीक है, ये ऐसे, ये यहाँ से रिवर बह रही है, ठीक है। ये एक वाइट प्लेन है, ठीक है, ये रिवर बह रही है। तो ये वाला जो जोन है उसको हम लोग बोलेंगे जोन थ्री। क्या बोलेंगे? जोन थ्री, ठीक है। जोन थ्री को हम लोग क्या लिखेंगे? खादर। ये मैं अलग से पढ़ाऊंगी। और ये ऊपर में जो इसका रिवर है उसको बोलते हैं जोन फोर। ये याद रखिएगा, ये आप लोग डायग्राम बना लीजिए। जोन थ्री के बाद क्या हुआ? जोन फोर। अब जोन थ्री क्या होता है? देखिए मैं यहाँ बना दे रही हूँ। जोन थ्री क्या है? जोन थ्री जो आपका है वो है आपका खादर। क्या आपका? खादर। खादर एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे देखिए, अगर ये जोन थ्री है, यहाँ पे आपके पानी है, ठीक है, रिवर आ रही है, पानी है, तो ये पानी से एकदम चिपका हुआ रास्ता है। अगर ये पानी से चिपका हुआ रास्ता है तो यहाँ पे फ्लड आने का बिल्कुल है, क्योंकि रिवर जहाँ भी होती है वहाँ पे फ्लड आता है, तो यहाँ पे फ्लड आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो फ्लड आने से क्या होता है? अगर यहाँ पे फ्लड आता है, अगर यहाँ पे फ्लड आएगा, तो फ्लड के आने से यहाँ पे सेडिमेंट आएंगे। क्या आएंगे? न्यू सेडिमेंट आएंगे। अगर न्यू सेडिमेंट आएंगे तो यहाँ पे सॉयल आएगा, नया सॉयल आएगा, नया सॉयल आएगा, तो ऑब्वियसली ये क्या है आपके लिए? फर्टाइल है। फर्टाइल है मतलब उपजाऊ है। तो यहाँ पे खादर में क्या कर सकते हो आप? एग्रीकल्चर कर सकते हो। उपजाऊ है क्यों? क्योंकि खादर जो है वो आपके किससे अटैच है? खादर जो है वो आपके अटैच है अपने, मतलब कि यहाँ पे फ्लड आती है, रिवर से अटैच है, नियर द रिवर है, रिवर के पास है, और यहाँ पे फ्लड आती है। फ्लड से क्या होता है? नया सेडिमेंट आता है, न्यू सेडिमेंट से आता है, नया सॉइल आता है, तो फर्टाइल होता है, और एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है। अब जोन फोर का बात करें तो जोन फोर जो है उसको हम लोग बोलते हैं भांगर। क्या बोलते हैं? भांगर, ठीक है। तो जो भांगर है यहाँ पे क्या होता है कि नो फ्लड, यहाँ पे किसी भी तरह का फ्लड नहीं होता, ठीक है। फ्लड पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि देखिए ये एकदम ऊपर में, ये रिवर के पास तो है नहीं, क्योंकि अगर ये रिवर के पास होता है तो उसको हम लोग जोन फोर क्यों बोलते हैं? जोन थ्री ही बोलते हैं। तो रिवर के पास नहीं है तो ये क्या हुआ? भांगर। यहाँ पे कोई फ्लड पॉसिबल नहीं है। फ्लड पॉसिबल नहीं है तो कौन सा सॉइल है? ये ओल्ड सॉइल है। कौन सा सॉइल है? ओल्ड सॉइल है। अगर ओल्ड सॉइल है यहाँ पे तो ये लेस फर्टाइल होगा, ये फर्टाइल भी नहीं होगा उतना। तो फर्टाइल नहीं होने से यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर करना उतना पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है।
तो मैं वापस समझा रही हूँ, मान लो ये माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर जब पिघलता है तो रिवर के भाव में आता है, रिवर जब आती है और ये कुछ माउंटेन है तो उसको ऐसे 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 करेगी तो कट के तो जाएगी ना वहां से, तो रिवर कट के जाती है, कट के जाने से अपने संग स्टोन लाती है, जब वो थोड़े प्लेन एरिया में आती है तो वहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उस जोन को हम लोग कहते हैं भावर, भावर में बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पत्थर होते हैं जिसके कारण फर्टाइल या एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। अब उसके नीचे में जाती है तो वो होता है जोन टू, जोन टू में तराई रीजन होता है, तराई रीजन जहाँ पे पानी भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और पानी के भरने से जब इकट्ठा हो जाता है पानी तो तराई रीजन में क्या होता है, जब इकट्ठा हो जाता है पानी तो वहाँ पे उसको मार्शी प्लेस हो जाती है, दलदल प्लेस हो जाती है तराई रीजन में, इससे मलेरिया डिजीज जो है वो तराई रीजन में देखने मिलती है, और तराई रीजन ज़्यादातर यूपी में पाया जाता है तो वहाँ पे राइस की खेती अच्छी होती है, चावल की। नेक्स्ट अब आते हो रिवर यहाँ आ रही है तो ये हो जोन थ्री, जोन थ्री होता है खादर, खादर जो होता है वो रिवर के पास होता है, नदियों के पास होता है, तो वहाँ पे फ्लड आना ऑब्वियसली बात है कि फ्लड वहाँ पे आएगा, जब पानी आएगा फ्लड आएगा तो न्यू सेडिमेंट, नए नए सेडिमेंट आएंगे, नए सेडिमेंट आएंगे तो नए सॉइल आएंगे, नए सॉइल आएंगे तो फर्टाइल होगा, तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। और जोन फोर भांगर, भांगर में फ्लड नहीं आता क्योंकि वो जोन थ्री के ऊपर में, फ्लड नहीं आता तो कोई नया फर्टाइल नहीं है और नया सॉइल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था कौन सा सॉइल है जो पाया जाता है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में, तो सॉइल का नाम है एल्यूवियल सॉइल, और एल्यूवियल सॉइल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका खद्दर और एक होता है भंगर, याद रखिएगा जो एल्यूवियल सॉइल होता है वो 40% पाया जाता है पूरे भारत में, और एल्यूवियल सॉइल दो तरह का होता है, एक होता है भंगर एक होता है खद्दर, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मैं इसको कंटिन्यू करूंगी इस सीरीज को, तो इस सीरीज अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। जय हिंद।